नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन यानी आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जिंदगी में कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, जो आपके दुश्मन है या कहें कौन से नाम कहें जिनसे कि आपको लाइफ टाइम बचकर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। कभी कभी तो दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं, हमारे बीच में ही होते हैं, जिन्हें हम अपना समझकर मान सम्मान इज्जत देते हैं, और वही हमारे पीठ पीछे हमको धोखा देने और गिराने के फिराक में लगे रहते हैं। दोस्तों, इसलिए कुंभ राशि के जातकों के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके दुश्मन कौन हैं, ताकि आप पहले से ही सजग और सावधान रहें। साथ ही आपको ऐसा उपाय भी बताएंगे जो आपके दुश्मन को भी आपका मित्र बना देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा अचूक उपाय भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे जो आप लोगों के दुश्मन का व्यवहार आपके प्रति बदल देगा, वे आपका भी आदर सम्मान करने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें, ताकि माँ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसे। दोस्तों, हम जिन नामों का खुलासा करेंगे, हो सकता है उसमें से आपके घर के ही कुछ लोग हों। जी हाँ, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी ज्योतिष आधार पर 12 राशियाँ निर्धारित किए गए हैं उसमें से पूरी दुनिया समाहित हुई है, इसलिए हमने कहा है या आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जिस पर आप बहुत ही ज़्यादा अधिक विश्वास करते हैं। आपको लगता है कि हम ऐसे कैसे समझ लें, तो दोस्तों हमारे दुश्मन, परंतु अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कई ऐसे घर मिल जाएंगे जहां खुद के बच्चों को माता पिता से नहीं बनती हैं, भाई बहनों में नहीं बनती हैं, पति और पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह क्या है? यही है शत्रु राशियाँ, यही हैं आपके लिए अनलकी राशियाँ, अनलकी नाम वाले, या फिर अभी तो आपके बेहतर रिश्ते होंगे परंतु आगे चलकर धोखे खाने की संभावना इन्हीं लोगों से बनती रहती हैं। परंतु हम रिश्तों में कोई भी शक की भावनाओं को नहीं आने देते हैं, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहने की हिदायत देते हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत रहेंगे और इन लोगों से आप अगर थोड़े से संभल कर रहेंगे। दोस्तों, और वैसे भी आप लोग तो अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि यह राशियां हर किसी को अपना मान लेती हैं, उस पर विश्वास जल्द ही कर लेती हैं और अधिकतर लोग इसी विश्वास को तोड़ देते हैं। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि किस राशि से आपको किस मामले में संभल कर रहना होगा, और वे कौन से नाम वाले हैं जो आप लोगों को लाइफ में कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करें, आप लोगों के विवाह के मामले में धोखा मिलता है। दोस्तों, आपके प्रेम के मामले में आपको धोखा मिलता है। अगर आप लोगों के लाइफ में कभी न कभी प्रेम तो हुआ ही होगा, और आपको प्रेम के मामले में अगर कभी कभी धोखा मिलती है तो वह दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं या किसी न किसी रूप में आपको धोखा देती हैं, चाहे वह कैसे भी हो। वहीं कुंभ राशि वाले लोगों को भी इनसे धोखा मिलता है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि आप लोगों को यह बहुत ही कभी न कभी आपने देखा जरूर होगा कि आप लोगों को वह सम्मान नहीं देते हैं। अगर आप लोगों के जीवन में भी कोई वृषभ राशि का प्राणी है, वे आपको कभी भी सम्मान नहीं देता होगा, वे आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को कभी भी जमीनी हकीकत से सम्मान नहीं देंगे, आप लोगों को अधिक महत्वपूर्ण रहने देंगे, और इसलिए आपको वृषभ राशि के लोगों से लाइफ टाइम बचकर रहने की जरूरत रहेंगे। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कर्क राशि। इनसे भी आपको धोखा मिलना तय होता है, क्योंकि इन राशि से आप लोगों को लव में, विवाह में, इन दोनों मामलों में बचना होगा। इनसे आपको धोखा मिलेंगे। धोखा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक। अब दोस्तों, आप खुद बहुत ही बुद्धिमान हैं, इससे आगे हम नहीं बोलेंगे। अगर आप किसी भी तरह से फंस जाते हैं या धोखे में आ जाते हैं तो कैसे इसका समाधान होता है, इसका कैसे आप उपाय कर सकते हैं, तो आप जरूर गौर से सुनिएगा। ऐसी स्थिति में आप तुलसी के पौधे को पानी देते हुए रोज किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से तुलसी के पौधे के सकारात्मक ऊर्जा होती हैं, बहुत ही जल्द वो बढ़ जाएंगे, जिससे जो भी व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है उसके विचारों में आप परिवर्तन देख सकोगे। आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो व्यक्ति पहले आप लोगों के बनती नहीं थे या आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार के खटपटे थे, वही व्यक्ति आप लोगों के साथ बैठकर आपका सम्मान कर रहा है, वही व्यक्ति आप लोगों को इज्जत दे रहा है, वही आप लोगों का मित्र हो रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे कौन से नाम वाले लोग हैं जिनसे आपको अपने जीवन में संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक न एक दिन आपको इन लोगों से धोखा मिल जाए। दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें कि जिस तरह की शत्रु राशियां होती हैं उसी तरह उसकी मित्र राशियां भी होती हैं, जो आपको सही समय पर रास्ता दिखा देती हैं, आपको जीवन में भटकाव से बचाती हैं, जो आप लोगों के सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर होती हैं, या कहें आप लोगों के सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। तो दोस्तों मकर राशि और मीन राशि वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ऐसे राशि वाले हुए हैं जो आप लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने में आपको सहायता करते हैं। हमने आपको बता दिया कि आप लोगों के मित्र राशियाँ कौन कौन सी हैं, वो हैं मकर राशि और मीन राशि। ये सांप के सबसे बढ़िया दोस्त होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, इसी कारण आप इनसे बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। वही दोस्तों एक और सलाह आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों राशि के अलावा एक कर्क राशि का मित्र भी आप लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि के व्यक्ति को दोस्त बनाने से आपके संतान को उन्नति मिलेंगे, सही मार्गदर्शन मिलेगा, वे आपके बेहतर स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हैं, और आपके सफलता में कर्क राशि के दोस्त भी आपके भाग्य में सुख परिवर्तन लाते रहते हैं। इसके साथ ही कर्क राशि का मित्र भी आपको समझने का तरीका, आपको सही दिशा देने का तरीका और आपको जीवन में आगे बढ़ने में सफलताओं को प्राप्त करवाने का तरीका होता है। आपको नाम के पहले के अक्षर में बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जिनसे आपको सावधान रहना होगा, तीन नाम वाले एस नाम वाले यानी कि टो और सौ नाम वाले, इन तीन नाम वाले आप लोगों को सावधान रहनी होंगे, क्योंकि आपको उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जन्म वही राशि होता है जिसके जन्म होती हैं। यह तीन नाम वाले आप लोगों के जीवन में हर हमेशा कोई ना कोई रुकावटों को जरूर उत्पन्न करेंगे, हर हाल में वह अवरोध करेगा और आप लोगों के काम को बिगाड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि कौन से आप लोगों के मित्र राशियां हैं, कौन से शत्रु राशियां हैं, कौन कौन से नाम वालों से आपको किस प्रकार सतर्क रहना है। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर किसी भी प्रकार का सवाल है, किसी भी प्रकार की आप लोगों के मन में संदेह है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी बता देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। जय माँ विंध्यवासिनी, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।